तो आज हम इंडियन सिनेमा के 10 बिगेस्ट डायरेक्टर की आने वाले ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, जिसे वो काफी बड़े लेवल के स्किल के साथ बनाने वाले हैं, जिसे देखने के लिए फैंस लोग भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। क्योंकि इस लिस्ट में एसएस राजामौली, परसन नील और लोकेश कनगरा जैसे बड़े डायरेक्टर भी शामिल है। वो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर से वॉच करना। तो चलिए लाइक का बटन दबा के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इवन इफ देयर इज वन सिंगल शॉट फ्रॉम बाहुबली, राजमौली हैट्स ऑफ, ही इज गोइंग टू बी नंबर वन इन इंडिया। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्टर वेत्रीमनन सर के बारे में, जो तमिल इंडस्ट्री से जाना जाता है अपनी बेहतरीन सोशल मीडिया कॉन्सेप्ट के कारण। जी हाँ दोस्तों, वेत्रीमनन सर अपनी बेहतरीन डायरेक्शन से काफी बड़ी बड़ी सोशल मुद्दा फिल्म पहले भी बना चुका है, जिसका अंदाजा आप लोग किसी से लगा सकते हो। अश्रुन जैसी बड़ी फिल्म इन्होंने डायरेक्ट किया था धनुष सर जैसे बड़े एक्टर के साथ। तो आप समझ ही गए होंगे वेत्रीमनन सर का डायरेक्शन और कॉन्सेप्ट कितनी बेहतरीन लेवल का होता है। तो डायरेक्टर वेत्रीमनन सर का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो है वादी वसल, और वादी वसल एक सोशल मुद्दा ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसके अंदर सूर्या सर जो कि रीडोल में दिखाई देंगे वो भी एक गाय के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं ये फिल्म एक फेस्टिवल की स्टोरी पर आधारित फिल्म होने वाली है, जिसके अंदर सूर्या सर जो कि एक गाय से लड़ते हुए नजर आएंगे, और ये नजारा सूर्या सर और गाय के बीच काफी खतरनाक लेवल का होगा, जिसे देखने के लिए मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके अलावा ये फिल्म डायरेक्टर वेत्रीमनन सर की ड्रीम प्रोजेक्ट होने वाली है, जिसे वेत्रीमनन सर 100 करोड़ के बजट में बनाने वाले हैं, वो भी पैन इंडियन लेवल के साथ, जिसे हम लोग 2025 के एंड में देख पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं डायरेक्टर नीतीश तिवारी सर के बारे में, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से जाना जाता है अपनी बेहतरीन डायरेक्शन के कारण। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्टर नीतीश तिवारी सर अपनी बेहतरीन डायरेक्शन से काफी बड़ी बड़ी फिल्म पहले भी बना चुका है, जिसका अंदाजा आप लोग किसी से लगा सकते हो। दंगल जैसी बड़ी फिल्म इन्होंने डायरेक्ट किया था आमिर खान जैसे बड़े एक्टर के साथ, जिसका रिकॉर्ड अभी भी कोई तोड़ नहीं पाया कलेक्शन के मामले में। तो आप समझ ही गए होंगे डायरेक्टर नीतीश तिवारी सर का डायरेक्शन कितनी बेहतरीन लेवल का होता है। तो डायरेक्टर नीतीश तिवारी सर का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो है रामायण, और रामायण भारत की आने वाली एक हिस्टोरिकल फिल्म होने वाली है, जिसके अंदर रणबीर कपूर जो कि श्री राम भगवान के किरदार में नजर आएंगे, तो वहीं साई पल्लवी जो कि सीता माता के किरदार में दिखाई देंगे, और साथ ही में रावण के रोल में रॉकिंग स्टार यश नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म को नीतीश तिवारी सर 700 से 800 करोड़ के बजट में बना रहे हैं, वो भी काफी बड़े लेवल में, क्योंकि ये फिल्म नीतीश तिवारी सर की प्रोजेक्ट होने वाली है, जिसे डायरेक्टर नीतीश तिवारी सर पैन इंडियन लेवल के साथ साथ पैन इंडियन वर्ल्ड लेवल पर भी रिलीज करने वाले हैं, जिसे हम लोग 2025 के एंड या तो 2026 के समर के टाइम पर देख पाएंगे। अब बात करते हैं डायरेक्टर आयन मुखर्जी सर के बारे में, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से जाना जाता है अपनी बेहतरीन रोमांटिक डायरेक्शन के कारण। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्टर आयन मुखर्जी सर अपनी बेहतरीन डायरेक्शन से काफी बेहतरीन लेवल की फिल्म पहले भी बना चुका है, जिसका अंदाजा आप लोग किसी से लगा सकते हो। ब्रह्मास्त्र जैसी बड़ी फिल्म इन्होंने डायरेक्ट किया था रणबीर कपूर जैसे बड़े एक्टर के साथ। तो आप समझ ही गए होंगे डायरेक्टर आयन मुखर्जी सर का डायरेक्शन कितनी बेहतरीन लेवल का होता है। तो डायरेक्टर आयन मुखर्जी सर का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो है ब्रह्मास्त्र सीरीज, और ब्रह्मास्त्र सीरीज 2022 में ब्रह्मास्त्र का सीक्वल पार्ट होने वाला है, जिसके अंदर रणबीर कपूर फिर से एक बार शिवा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं ये फिल्म काफी बड़े लेवल की फिल्म होने वाली है, जिसके अंदर रणबीर कपूर के साथ आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन जो की सपोर्टिंग रोल में दिखाई देंगे। इसके अलावा रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है की इस फिल्म में देव के रोल के लिए ऋतिक रोशन को अप्रोच किया गया है। तो आपके हिसाब से देव के रोल के लिए कौन से एक्टर को होना चाहिए, अपना राय जरूर से कमेंट करके बताना। और आपको बता दूं, डायरेक्टर आयन मुखर्जी सर अपना ड्रीम प्रोजेक्ट को 3 भागों में बनाने वाले हैं, जिसका ये दूसरा भाग होगा, जिसे हम लोग 2026 तक के अंदर देख पाएंगे, वो भी पैन इंडियन लेवल पर।
इसके अलावा आप बात करते हैं डायरेक्टर एस शंकर सर के बारे में, जो तमिल इंडस्ट्री से जाना जाता है अपने काफी बड़े लेवल की डायरेक्शन के कारण। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्टर एस शंकर सर अपने डायरेक्शन से काफी बड़ी बड़ी फिल्म पहले भी बना चुका है, जिसका अंदाजा आप लोग किसी से लगा सकते हो। रोबोट 2.0 जैसी बड़ी फिल्म इन्होंने डायरेक्ट किया था थलाइबा रजनीकांत जैसे बड़े एक्टर के साथ। तो आप समझ ही गए होंगे डायरेक्टर एस शंकर सर की डायरेक्शन कितनी बड़ी लेवल की होती है। तो डायरेक्टर एस शंकर सर का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो है रामचरण और ऋतु रोशन के साथ एक कॉन्टिनेंटल फिल्म, और ये फिल्म एस शंकर सर के डायरेक्शन में आने वाली सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है, क्योंकि इस फिल्म के अंदर रामचरण और ऋतु रोशन जैसे दो बड़े सुपरस्टार एक साथ दिखाई देंगे, वो भी लीड रोल में। और आपको बता दो, इस फिल्म का अनाउंसमेंट डायरेक्टर एस शंकर सर 2025 में करने वाले हैं रामचरण और ऋतु रोशन के साथ, क्योंकि एस शंकर सर फिलहाल कमल हसन सर के साथ इंडियन 2 और रामचरण सर के साथ गेम चेंजर फिल्म में बिजी है, जिसकी वजह से एस शंकर सर इस फिल्म का अनाउंसमेंट 2025 में करने वाले हैं। इसके अलावा एस शंकर सर इस फिल्म को 1,000 करोड़ के बजट में बनाने वाले हैं, वो भी पैन इंडियन वर्ल्डवाइड लेवल के साथ, जिसे हम लोग 2026 से 2027 तक के अंदर देख पाएंगे। कभी इज अ बेस्ट, इससे पहले वो कुछ और करे, किल हिम। कोई तो होगा जो कबीर तक पहुंच सके। उसके बाद आप बात करते हैं डायरेक्टर सदीप रेड्डी बांगा सर के बारे में, और वो सदीप रेड्डी बांगा सर तेलुगु इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर में से एक माना जाता है, जो अपनी बेहतरीन डायरेक्शन से फिल्म के अंदर तबाही मचा देता है। जी हाँ दोस्तों, सदीप रेड्डी बांगा सर की लास्ट फिल्म आई थी एनिमल, जो बॉक्स ऑफिस में 900 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था, वो भी पूरे देश में। तो आप समझ रहे हो ना, सदीप रेड्डी बांगा तेलुगु इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर क्यों माना जाता है। तो डायरेक्टर सदीप रेड्डी बांगा सर का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो है प्रभास के साथ स्प्रिट फिल्म, और ये फिल्म एक मोस्ट वायलेंस कॉप गैंगस्टर फिल्म होने वाली है, जिसके अंदर प्रभास एक वायलेंस पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म को सदीप रेड्डी बांगा सर एनिमल से भी काफी खतरनाक लेवल पर बनाने वाले हैं, क्योंकि ये फिल्म सदीप रेड्डी बांगा सर का ड्रीम प्रोजेक्ट होने वाली है, जिसका शूटिंग बांगा सर प्रभास के साथ 2024 के एंड में शूट चालू करने वाले हैं, क्योंकि सदीप रेड्डी बांगा सर इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन काम में बिजी है, जिसे सदीप रेड्डी बांगा सर 400 करोड़ के बजट में बनाने वाले हैं, वो भी पैन इंडियन वर्ल्डवाइड लेवल के साथ। व्हाट, इस फिल्म को हम लोग देख पाएंगे 2025 के एंड में। रिक्वेस्ट। इसके अलावा आप बात करते हैं डायरेक्टर शिवा सर के बारे में, और शिवा सर तमिल इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन डायरेक्टर में से एक है, जिसने अपनी बेहतरीन डायरेक्शन से विवेगम और बेदलम जैसी बेहतरीन फिल्म बना चुका है थलाजीत जैसे बड़े एक्टर के साथ। तो आप समझ ही गए होंगे डायरेक्टर शिवा सर तमिल इंडस्ट्री के कितने बड़े डायरेक्टर में से एक है। तो डायरेक्टर शिवा सर का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो है कंगूबा, और कंगूबा एक ब्रिलियंट पीरियड ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसके अंदर सूर्या सर नजर आएंगे, वो भी रोलेक्स सर से भी काफी खतरनाक लुक में, और साथ ही में लॉर्ड बॉबी जैसे बड़े एक्टर भी दिखाई देंगे, वो भी काफी डेंजरस लुक में। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्टर शिवा सर 350 करोड़ के बजट में बना रहे हैं, वो भी 38 भाषाओं के साथ, क्योंकि ये फिल्म डायरेक्टर शिवा सर की ड्रीम प्रोजेक्ट होने वाली है, जिसे वो पैन इंडियन लेवल के साथ साथ पैन इंडियन वर्ल्डवाइड लेवल पर भी रिलीज करने वाले हैं, जिसे हम लोग 2024 तक के अंदर देख पाएंगे, वो भी पैन इंडियन लेवल पर। उसके बाद आप बात करते हैं डायरेक्टर लोकेश सर के बारे में, जो तमिल इंडस्ट्री से जाना जाता है अपनी बेहतरीन माफिया गैंगस्टर मूवीज के कारण। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्टर लोकेश कनगरा सर अपनी बेहतरीन डायरेक्शन से काफी बड़ी बड़ी माफिया गैंगस्टर फिल्म पहले भी बना चुका है, जिसका अंदाजा आप लोग किसी से लगा सकते हो। लियो जैसे गैंगस्टर फिल्म इन्होंने डायरेक्ट किया था थलावती जैसे बड़े एक्टर के साथ। तो आप समझ ही गए होंगे डायरेक्टर लोकेश कनगरा सर की डायरेक्शन कितनी खतरनाक लेवल का होता है। तो डायरेक्टर लोकेश कनगरा सर का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो है सूर्या सर के साथ इरुबू काय मायावी फिल्म, और ये फिल्म एक साइफाई फिल्म होने वाली है, जिसके अंदर सूर्या सर के पास एक रोबोटिक हैंड हमें देखने को मिलेगा, और उस हैंड में हमें सुपर पावर भी देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्टर लोकेश कनगरा सर ही डायरेक्ट करने वाले हैं, वो भी काफी बड़े लेवल में, क्योंकि ये फिल्म डायरेक्टर लोकेश कनगरा सर की ड्रीम प्रोजेक्ट होने वाली है, जिसे लोकेश कनगरा सर 500 से 600 करोड़ के बजट में बनाने वाले हैं, वो भी पैन इंडियन लेवल के साथ। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म को हम लोग देख पाएंगे 2029 से 2030 तक के अंदर, वो भी पैन इंडियन लेवल पर।
इसके अलावा अब बात करते हैं डायरेक्टर अथली कुमार सर के बारे में, जो तमिल इंडस्ट्री से जाना जाता है अपनी बेहतरीन एक्शन मूवीज के कारण। जी हाँ दोस्तों, अथली कुमार सर अपनी बेहतरीन डायरेक्शन से काफी बड़ी बड़ी एक्शन फिल्म पहले भी बना चुका है, जिसका अंदाजा आप लोग किसी से लगा सकते हो। जवान जैसी एक्शन फिल्म इन्होंने डायरेक्ट किया था शाहरुख खान जैसे बड़े एक्टर के साथ, तो आप समझ ही गए होंगे डायरेक्टर अथली कुमार सर की डायरेक्शन कितनी बेहतरीन लेवल का होता है। तो डायरेक्टर अथली कुमार सर का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो है थलापति विजय और शाहरुख खान के साथ एक कंटेंटल फिल्म, और ये फिल्म एक एक्शन वायलेंट फिल्म होने वाली है, जिसके अंदर शाहरुख खान और विजय सर जो कि लीड रोल में नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म का अनाउंसमेंट डायरेक्टर अथली कुमार सर 2026 के एंड में करने वाले है, क्योंकि थलापति विजय सर फिलहाल थलापति 68 और थलापति 69 में बिजी है, और उसके बाद विजय सर जाने वाले है पॉलिटिक्स में, जिसके कारण इस फिल्म का अनाउंसमेंट 2026 में करने वाले है डायरेक्टर अथली कुमार सर। इसके अलावा अथली कुमार सर का कहना है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में 2000 से लेकर 3000 करोड़ रुपए का कलेक्शन करेगा, वो भी पूरे देश में, क्योंकि इस फिल्म के अंदर साउथ और बॉलीवुड के दो बड़े सुपरस्टार एक साथ नजर आएंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है, डायरेक्टर अथली कुमार सर शाहरुख खान और विजय सर की ये जोड़ी मिलकर बॉक्स ऑफिस में 2000 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकता है? जोर से कमेंट करके बताना। इसके अलावा इस फिल्म को हम लोग देख पाएंगे 2027 से 2028 तक के अंदर। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। इसके अलावा आप बात करते हैं डायरेक्टर पर्सन नील सर के बारे में, जो कनाडा इंडस्ट्री से जाना जाता है अपनी बेहतरीन गैंगस्टर मूवीज के कारण। जी हाँ दोस्तों, पर्सन नील सर अपनी बेहतरीन डायरेक्शन से काफी बड़ी बड़ी गैंगस्टर फिल्म पहले भी बना चुका है, जिसका अंदाजा आप लोग किसी से लगा सकते हो। KGF चैप्टर 2 जैसी बड़ी फिल्म इन्होंने डायरेक्ट किया था रॉकिंग स्टार याज जैसे बड़े एक्टर के साथ, तो आप समझ ही गए होंगे पर्सन नील सर की डायरेक्शन कितनी खतरनाक लेवल का होता है। तो डायरेक्टर पर्सन नील सर का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो है एंटियर के साथ एंटियर 31 फिल्म, और ये फिल्म एक एक्शन वायलेंस गैंगस्टर फिल्म होने वाली है, जिसके अंदर जूनियर एंटियर एक गैंगस्टर के रोल में नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं पर्सन नील सर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को सालार और KGF चैप्टर 2 से काफी बड़े लेवल पर बनाने वाले है, जिसका बजट कम से कम 500 से 600 करोड़ के बीच में होने वाला है, वो भी पैन इंडियन लेवल के साथ, जिसका शूटिंग अगस्त के महीने से शूट चालू करने वाले है पर्सन नील सर एंटियर के साथ। बट इस फिल्म को हम लोग देख पाएंगे 2025 से 2026 तक के अंदर। आ रहा हूं मैं। उसके बाद आप बात करते हैं डायरेक्टर SS राजामौली सर के बारे में, और SS राजामौली सर तेलुगु इंडस्ट्री के साथ साथ भारत के भी सबसे बड़े डायरेक्टर में से एक है, जिसने अपने बेहतरीन डायरेक्शन से काफी बड़ी बड़ी फिल्म पहले भी बना चुका है। जी हाँ दोस्तों, SS राजामौली सर की लास्ट फिल्म आई थी त्रिपाला, जिसने बॉक्स ऑफिस में 1200 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था, वो भी पूरे देश में, तो आप समझ ही गए होंगे डायरेक्टर SS राजामौली सर इंडियन सिनेमा के कितने बड़े डायरेक्टर है। तो SS राजामौली सर का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो है महाभारत, और महाभारत SS राजामौली सर की करियर की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है, जिसे SS राजामौली सर काफी बड़े लेवल पर बनाने वाले हैं, जिसके अंदर साउथ और बॉलीवुड के कई सारे बड़े बड़े सुपरस्टार एक साथ नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म को SS राजामौली सर कम से कम 1500 करोड़ से भी ज्यादा का बजट में बनाने वाले है, वो भी पैन इंडियन वर्ल्ड लेवल के साथ, क्योंकि इस फिल्म के अंदर साउथ और बॉलीवुड के एक दो नहीं बल्कि कई बड़े सुपरस्टार एक साथ नजर आएंगे, जिसके कारण इस फिल्म का बजट इतने हाई लेवल का हो जा रहा है, क्योंकि ये फिल्म SS राजामौली सर के ड्रीम प्रोजेक्ट होने वाली है, जिसका शूटिंग SS राजामौली सर 2027 से 2028 में शूट चालू करने वाले हैं, क्योंकि SS राजामौली सर फिलहाल महेश बाबू के साथ SSMA 29 में बिजी है, जिसकी वजह से इस फिल्म को हम लोग 2029 से 2030 तक के अंदर देख पाएंगे। तो यही थी 10 बिगेस्ट डायरेक्टर की आने वाले ड्रीम प्रोजेक्ट। तो आप लोग इनमें से कौन सा डायरेक्टर का ड्रीम प्रोजेक्ट देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो, जरूर से कमेंट करके बताना। इसके अलावा यदि आप मेरा रोस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है, तो प्लीज एक बार के लिए वीडियो को चेकआउट जरूर से कर लेना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।